नमस्कार व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है पेटीएम कंपनी का आईपीओ। पेटीएम कंपनी का आईपीओ गुरुवार को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और अपने इशू प्राइस से 27% के डिस्काउंट पे क्लोज हुआ है। 27% का करेक्शन इन्वेस्टर्स ने जो है पेटीएम के आईपीओ में देखा हुआ। अब सभी के मन में यही सवाल बना हुआ है कि अब आगे क्या, आगे का रास्ता कैसा होगा। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और इन्वेस्टर्स के मन में जो सवाल उथल पुथल हो रहे हैं पेटीएम के आईपीओ को लेकर, और जिस तरीके से सोशल मीडिया में पेटीएम के आईपीओ को लेकर कई तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं, इन बातों पे मुझे लगा कि कोई ना कोई एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो आज हम पेटीएम के आईपीओ को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको पेटीएम के शेयर्स का अलॉटमेंट हो चुका है और वो उस शेयर में फंसे हुए हैं, उन्हें अब आगे का रास्ता क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर्स जो पेटीएम के आईपीओ में आगे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो पेटीएम के आईपीओ से निकलने का रास्ता देख रहे हैं, जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट मंडे को जब ओपन होगा तो पेटीएम के शेयर्स बेच के और इस शेयर से एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके के सारे इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए आइए अब इस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आईपीओ को लेके ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया और एक आईपीओ तैयार किया है जिसकी लिंक मैं इस कार्ड में दे रहा हूं। तो जो भी इन्वेस्टर्स आईपीओ के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं वो जाके इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरीके से किसी भी कंपनी का आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में आता है तो किस तरीके से उसको एनालिसिस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और अपनी जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको किस तरीके से इन आईपीओ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ कि इस समय बुल रन में बहुत सारी कंपनीज अपनी आईपीओ लेकर आ रही हैं और कई तरीके के हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं और बहुत सारा पैसा जो है ये स्टॉक मार्केट से रेस कर रही हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि पेटीएम के आईपीओ में क्या ऐसे कारण रहे कि 27% का करेक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले पॉइंट की जो हम बात करते हैं वो ये है कि पेटीएम के आईपीओ का जो साइज रहा है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ साइज। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट हुआ है, तो कई इन्वेस्टर्स ऐसे रहते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट में फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दूसरा कारण इसमें जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जिस तरीके की हाई वैल्यूएशन पे पेटीएम का आईपीओ मार्केट में आया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी की भी रिपोर्ट आई है और उनका कहना यह है कि जो पेटीएम का आईपीओ आया है उसमें बिजनेस मॉडल और फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने 1200 रुपये का टारगेट जो है पेटीएम के लिए दिया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी 25-30% का करेक्शन पेटीएम की शेयर प्राइस में आ सकता है। इसके अलावा मार्केट के जो कई दिग्गज एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी पेटीएम के आईपीओ को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। तो इन्वेस्टर्स को इस तरीके की रिपोर्ट्स की भी स्टडी करना चाहिए। एक और प्रमुख कारण जो निकल के आता है वो ये है कि 2016 नवंबर में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2020 मार्च में कोविड आया। इन दोनों पीरियड्स में आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, बहुत सारी कंपनीज ने अपना बिजनेस इस पीरियड में स्टार्ट किया है। तो इस तरीके की ग्रोथ आने के बाद भी क्या ऐसे कारण है कि पेटीएम जो है लगातार लॉस रिकॉर्ड कर रही है, लगातार कंपनी लॉस में बनी हुई है और क्यों कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है, इन बातों को भी समझना इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। क्या कारण है कि पेटीएम की कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कंपनी जिस तरीके के कैशबैक लेके आ रही है या कंपनी जिस तरीके के अदर सेगमेंट में एक्सपांशन कर रही है, तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि जो पेटीएम है वो लगातार लॉस कर रही। तो इस कारण की भी इन्वेस्टर्स को एक स्टडी करने की जरूरत है। तीसरा जो प्रमुख कारण निकल के आता है वो बिजनेस मॉडल से लेके है। देखिए फ्रेंड्स, हर तरीके के सेगमेंट में हर तरीके की कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी सेगमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उस सेगमेंट में कई मार्केट लीडर्स पहले से एस्टेब्लिश रहते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं रहता। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेटीएम जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में, एनबीएफसी सेगमेंट में एक्सपांशन करना चाहती है और जिस तरीके के ये दोनों सैचुरेटेड सेगमेंट हैं इसमें ऑलरेडी कई एस्टेब्लिश प्लेयर सेट हैं, चाहे एचडीएफसी की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एस्टेब्लिश कंपनियां हैं।
तो ये इतना आसान नहीं रहता किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए कि जल्दी से जल्दी मार्केट शेयर गेन करे, और पर्टिकुलर ऐसी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी लॉस रिकॉर्ड कर रही हो। तो ये भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, दिग्गज एक्सपर्ट और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जो है फ्यूचर ग्रोथ भी इस कंपनी में नहीं दिख रही हो। तो इस तरीके के कारणों को लेके हमें पास्ट में भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से रिलायंस पावर के आईपीओ के साथ में हुआ था, जब मार्केट में बहुत बड़ी हाइप किसी भी कंपनी के आईपीओ को लेके बनती है, तो ये भी एक साइन होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और जब सब तरीके के फैक्टर्स मार्केट में निकल के आ जाए, जब आईपीओ लिस्ट हो जाए, उसके कुछ दिन के बाद भी आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, मार्केट के अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, और भी कंपनीज आगे लिस्ट होने के लिए आएंगी जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये पेटीएम को लेके कुछ बातें थी इन्वेस्टर्स के मन में जो चल रही थी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि पेटीएम के भविष्य, आईपीओ का अब आगे क्या भविष्य है, तो मैंने सोचा इस मैटर पे एक वीडियो तैयार करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस चैनल का काम, जो हम बहुत ही ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा ओरिजिनल कंटेंट आपके सामने लेके आए, अगर ये पसंद आ रहा है तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएं और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा आपके जो फीडबैक और सजेशंस हैं उसका हम हमेशा वेलकम करते हैं। आपके फीडबैक और सजेशंस के आधार पर हम आगे के अपने वीडियोस में सुधार करेंगे। किसी भी तरीके का अगर आप सजेशन और फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, हर वीडियो को कोशिश करें कि आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे आपके इकोनॉमिकल फ्रीडम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फायदा होगा। अभी बहुत कुछ हम इस चैनल में लेके आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को जरूर देखें। और आपका आज का समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।